आज मतदाता जागरूकता दिवस एक बहुत बड़ा दिवस है, क्योंकि अभी जैसे अच्छे कार्य के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने प्रमाण पत्र दिए, अच्छा कार्य हुआ तो उसका सर्टिफिकेट मिला, लेकिन उसे संभालना मुश्किल काम होता है, बड़ा काम होता है। ऐसे ही लंबी लड़ाई लड़ी, देश को आज़ादी मिली, लेकिन उस आज़ादी को संभालना बहुत बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण कार्य। आज अभी जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो सबसे पहला कार्यक्रम था जिसमें इतना प्यारा प्रेजेंटेशन था कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुना गया हो। एक बेड टाइप था, चादर इस तरफ से भी थी, इस तरफ से भी थी। उसे देख करके मेरे मन में ये आया कि ये कार्यक्रम सीधा सीधा देश के निर्माण से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, और जो लोकतंत्र है, मतदान का काम है, वो किसी एक व्यक्ति या प्रशासन का काम सिर्फ नहीं होता, सब का योगदान उसमें जरूरी है। और आज का ये कार्यक्रम जो पाइनवुड स्कूल के कैंपस में हो रहा है, हमारे अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय ने, उनकी पूरी टीम ने मिलकर के, कॉलेज के साथियों ने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है, उसमें वो इस चीज़ का सर्टिफिकेट है कि मुस्तकबिल की चादर को अकेले बुन नहीं सकता, मुस्तकबिल की चादर को अकेले बुन नहीं सकता, तेरा ताना जरूरी है, मेरा बाना जरूरी है। सब लोगों को मिलकर के इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, और बहुत बड़ी चीज है कि जो काम बड़ों को करना है, छोटे बच्चे उसके लिए हमें मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अभी हमारे जो जितनी तारीफ करते कम है, क्योंकि आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, एक बहुत उत्साहित, कॉम्पिटेंट यानी दक्ष, एफिशिएंट और सबका सहयोग लेकर के चलने की क्षमता रखने वाले जिलाधिकारी मेरे बराबर में बैठे थे, मैं उनसे बात कर रहा था कि आज खाली लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि जितने भी सृजन के संदेश, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई के दौरान में रहे हों और चाहे उसके बाद देश के हित में चलाए जाने वाले अभियानों को लेकर के रहे हों, वो संदेश हमारे विद्यालयों के माध्यम से ही, नन्हे बच्चों के माध्यम से ही, युवाओं के माध्यम से ही देश के अंदर गए हैं, और उन्होंने ही उसको मजबूती से संभाला भी है और परिणति तक पहुंचाया भी है। ये कह देना निश्चित रूप से ज़रूरी है और अच्छा है कि हम सब लोगों को मतदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी ये बात गई कि मतदान हमारा केवल अधिकार ही नहीं है, बल्कि प्रजातंत्र के अंदर बहुत बड़ा और कहिए तो सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि एक वोट का मतलब राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत मजबूत स्तंभ होता है। अगर हम एक एक वोट देने से चूक जाएं, कोई सोचे कि संडे है, साथ में एक छुट्टी जोड़ करके ट्यूसडे और जुड़ जाएगा, चलो बाहर घूमाएं, आप जैसे घूमने के लिए गए तो समझे कि देश की व्यवस्था में सेंध लगाने का काम आपने कर दिया। अभी हमने देखा, बोल रहे थे कि अब्राहम लिंकन के उदाहरण से, कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन तभी मेरे मन में एकदम आया कि अभी हम थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं और इस परिभाषा को गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे को अच्छा कहते तो हैं, लेकिन अच्छा करने में अपनी भूमिका से चूक जाते हैं, हम मतदान नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी में अपने धर्मों को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते और सही से नहीं निभाते हैं, तो यही परिभाषा
एकदम मेरे मन में आया कि ये बन जाती है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ओ डबल एफ, फॉर द पीपल, एफ ए आर फॉर, एंड बी वाई ई बाय द पीपल, यानी लोक कल्याण का काम, लोक योगदान का काम, और लोक के द्वारा उसको करने का जो भूमिका है उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं और डेमोक्रेसी को हम ब्लेम कर देते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी शासन प्रणाली नहीं है। मैं जानता हूं, हमारे अधिकारी भी जानते हैं, शिक्षक भी जानते हैं कि यार जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से सारे 18 साल के नहीं हैं, सब लोग मतदाता भी नहीं हैं, लेकिन जब एक बच्चे की जिद माता पिता को कुछ का कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है, उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, उनको पिकनिक के लिए ले जाते हैं, उनकी इच्छाएं और ज़रूरतें पूरा करते हैं, तो एक बच्चे की जिद उन्हें उनका कर्तव्य को याद कैसे नहीं दिला सकती। हमारे बच्चे संकल्प करें कि अपनी मम्मी पापा से कहेंगे कि हम ब्रेकफास्ट बाद में करेंगे, पहले आप वोट डाल करके आइए। दुर्भाग्य ये होता है कि जो जागरूक लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाते हैं, तो फिर गैर जिम्मेदार लोगों को देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में बल मिल जाता है। आप जागरूक रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे। आज का ये कार्यक्रम इस बात का संदेश है कि हर विद्यालय, डीएम साहब ने बताया कि केवल यहाँ नहीं, यहाँ तो मेन प्रोग्राम हम कर रहे हैं, बल्कि सब विद्यालयों के माध्यम से इस जन जागृति के कार्य को हम लोग कर रहे हैं। तो अगर हम अपने जागृति के कार्यक्रम को पूरी तरह संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को पहचानने का और उसे निभाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मैं भी आपके साथ इसी अभियान का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और इसमें अपने आप को गौरव समझता हूँ कि हम जब भी कोई राष्ट्र का कार्य हो, जब भी कोई समाज का काम हो, जब भी जो है हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपना योगदान दें तो उस समय हमें इसी तरह से मिलकर के इकट्ठे होकर के अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। सहारनपुर ने अपना एक इतिहास दुनिया के सामने इस रूप में रखा है कि चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे समरसता का उदाहरण हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में पराकाष्ठा यानी चरम सीमा तक उन्नति की सीमाएं हो, और चाहे राष्ट्र की सीमाओं पर अपना योगदान हम दे रहे हो रक्षा के रूप में हमारे सैनिकों के माध्यम से, उन सब में सहारनपुर ने अपना एक ऊंचा स्थान रखा है। चाहे स्वच्छता का अभियान हुआ, चाहे अभी आपने देखा कि शौचालयों के मामले में, यानी सहारनपुर को टॉप पे, यहाँ तक कि मतदान की परसेंटेज में भी प्रदेश में सहारनपुर ने रिकॉर्ड दिखाया है बना करके, इस बात पर हम हर्ष ध्वनि कर सकते हैं और संकल्प कर सकते हैं कि हम इस रिकॉर्ड को टूटने नहीं देंगे। अंत में बच्चों एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। सहारनपुर के एक बच्चे ने बॉम्बे में एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, उस वीडियो को इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, दिव्य निधि शर्मा, उसने वो वीडियो बनाया, उस वीडियो को इंटरनेशनल अवार्ड मिला पब्लिसिटी का, और वो वीडियो क्या था, बस वो उससे हमारा आपका संबंध है। उसमें उन्होंने एक छोटी झलक दिखाई कि देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही है, एक नौजवान को फांसी दी जाती है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, और उसके नीचे एक चीज़, एक वाक्य लिखा हुआ है कि हमने देश के लिए प्राण दान किया, आपको तो देश की रक्षा के लिए सिर्फ मतदान करना है। जिन लोगों ने प्राण दान दिए हैं, जिन्होंने फांसी खाई हैं, गोली खाई हैं, उन लोगों के लिए हमारी श्रद्धांजलि, चाहे वो भगत सिंह हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चाहे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, असंख्य लोग जिनके नाम भी हम लोगों को नहीं पता, कि उनके बलिदान का सबसे बड़ा सम्मान ये है कि हम देश को संभालने में सही मतदान, जाति भेद से ऊंचा उठ करके, छोटे छोटे लालच से ऊंचा उठ करके, रिश्ते और नातेदारी की बात से ऊपर उठ करके ये सोचें कि देश का हित किस चीज़ में है। बहुत बार सोचते हैं कि नहीं भाई हमारी बिरादरी के तो सारे वोट वहाँ जा रहे हैं, पता चला कि हमने अपने आप को देश की मुख्य धारा से अलग कर लिया। कोई सोचते हैं कि हमें फलाने आदमी ने एहसान किया था, भाई उसका जवाब देने का मौका ये है, उसको हम वोट देंगे,
तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हम देश को बहुत पीछे धकेल देते हैं। जब राष्ट्र का मामला होता है तब व्यक्तिगत मामला बहुत पीछे छूट जाता है, और कहते हैं कि अगर पूरे समाज का देश का हित होता हो तो व्यक्तिगत हितों का बलिदान देना बहुत बहादुरी का और बहुत समझदारी का काम है। आइए अच्छा सोचें, मतदान करें, और मतदान करने के लिए अन्यों को प्रेरणा करें, प्रेरणा दें, और सच्चे मायने में इन बच्चों ने जो मेहनत की है उस मेहनत का हम सम्मान करें।